जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की पंचायत मरहाणा के गांव मजोटी के रहने वाले डॉक्टर विक्रम शर्मा ने अपने घर में कॉफी का उत्पादन कर दूसरों के लिए मिसाल पैदा की है। वहीं युवाओं के लिए तो वे प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। डॉक्टर शर्मा ने खुद कॉफी के पौधे को उगाने के साथ साथ हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए पौधे मुफ्त में बांटकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का बीड़ा भी उठाया है और आजकल क्षेत्र के विभिन्न किसानों ने उत्पादन शुरू भी कर दिया है। दक्षिण भारत में पैदा होने वाली कॉफी की फसल अब हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी लहरा रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के किसान बंदरों जंगली जानवरों के नुकसान के कारण खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं। करीब 65% प्रदेश की भूमि बंजर हो चुकी है। जंगली जानवरों व आवारा पशुओं के कहर से प्रदेश के किसान बेहाल हैं। उनके पास सिवाय पारंपरिक कृषि के अलावा कोई आय को बढ़ाने का विकल्प भी नहीं है। अगर आज की परिस्थिति पर नजर डालें तो पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकारों ने केवल एक योजनाओं पर ही काम किया। धरातल पर कोई भी योजना किसानों की मदद नहीं कर पाई, जिसके कारण आज प्रदेश के किसान कृषि बागवानी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उनके लिए कॉफी की फसल वरदान सिद्ध हो रही है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की पंचायत मराहना के गांव मजोटी के रहने वाले डॉक्टर विक्रम शर्मा ने अपने घर में कॉफी का उत्पादन कर दूसरों के लिए मशाल और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। डॉक्टर शर्मा ने खुद कॉफी के पौधों को उगाने के साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए मुफ्त में पौधे बांटकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का बीड़ा उठाया है और आज क्षेत्र के विभिन्न किसानों ने उत्पादन शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक व पर्यावरण परिस्थितियों को देखते हुए पिछले 17 वर्षों से वाणिज्यिक कृषि बागवानी के शोध व प्रसार में लगे डॉक्टर विक्रम शर्मा ने बताया कि अब उन्होंने प्रदेश की बंजर भूमि को युवाओं की समृद्धि से जोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। डॉक्टर विक्रम ने कहा कि उन्होंने 17 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कॉफी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक फसल का सफल ट्रायल भी किया था, जिसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉफी वर्ल्ड के निदेशक मंडल में पहली बार उत्तरी भारत से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। परंतु इसके बावजूद पिछली कांग्रेस की सरकार ने कॉफी जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। कॉफी हिमाचल प्रदेश में मैं 1999 में लेके आया था और कॉफी एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक फसल है, जैसे सभी जानते हैं इसके बारे में। परंतु ये उत्तरी भारत में ना होते हुए ये दक्षिणी भारत में कर्नाटका से शुरू हुई थी। तो कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की जलवायु में जब मैंने थोड़ा सा एक आपस में एक समानता देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र में उगाएं। मैं इसी यहाँ पे लेके आया। 5 वैरायटीज को मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, जिसमें से 3 वैरायटीज कामयाब हुई। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा और मैं इसके ऊपर जो है वो पिछले 20 सालों से लगातार कार्यरत हूँ। आज ये जो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल के तकरीबन निचले क्षेत्र में सभी जगह फैल चुका है, परंतु इसमें कमी रही कि आज तक किसी सरकार ने इसके ऊपर प्रॉपर से ध्यान नहीं दिया। अभी हाल ही में हमारी नई जयराम सरकार जी सरकार आई है, उसमें हम इस प्रोजेक्ट को बड़े विस्तार से ले रहे हैं और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को हिमाचल के वाणिज्यिक फसलों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा।